जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर। मैंने क्या किया, मैंने घर बनाने के लिए पूरा का पूरा ठेका दे दिया, एक ठेका दे दिया कॉन्ट्रेक्टर को, ठेकेदार को मैंने ठेका दे दिया। मैंने उसको कहा कि फलाने डेट में मुझे घर रेडी चाहिए। उसने ये बोला ठीक है सर, बिल्कुल दे दूंगा। मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि यदि मैंने आपको जिस दिन बोला उस दिन से एक दिन भी लेट हुआ तो 200 रुपये जुर्माना लूंगा, एक दिन और लेट हुआ तो 250 रुपये जुर्माना लूंगा, एक दिन और लेट हुआ तो 300 लूंगा। मतलब हर दिन 50-50 बढ़ा के। ध्यान रहे, पहला दिन का लेट में 200 तो दूसरे दिन में सिर्फ 250 नहीं, पहले दिन का 200 और अगले दिन का 250, 450, तीसरे दिन का, इन तीनों को जोड़ करके लूंगा। तो एक व्यक्ति ने ना 30 दिन लेट से मुझे घर दिया, जितना डेट मैंने दिया उसे 30 दिन एक्स्ट्रा लगा दिया उसने। बताओ मुझे जुर्माने के रूप में वो ठेकेदार कितना पेमेंट करेगा, यही है आपका क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू कितनी है, अरे हर बार 50 रुपये तो बढ़ा रहा हूँ, 250 - 200 है ना, ये 50 रुपीज़ हो गई। एन बराबर 30 और मुझे चाहिए कितना, S30 चाहिए। ठीक है, निकाल दो फटाक से। SN इज इक्वल टू क्या होता है, N/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जरा देखो तो कितना होगा, बोले सर एस 30 दिन का पैसा लेना है आपको, 30 दिन का, ठीक है सारे दिन का जोड़ लेता हूँ मैं, छोड़ूंगा तो नहीं। 30/2 × 2 × 200 प्लस एन मतलब 30 माइनस 1 गुना डी की वैल्यू कितनी है 50। फटाफट गुना करो, ये 2 से तो सर 15 बार में आराम से निपट जाएगा ये, ठीक है 15 हो गया। इधर कितना बचा, 200 × 400 और 29 × 50 तो कितना होगा, 30×5 150 मतलब 145 में 10 बढ़ेगा ये, ठीक है कितना हो गया ये 15×14 = 1850। ठीक है बाबू, कितना हो गया ये 9 × 3 = 27 और 25 है ना, इसको कितना हो गया 27×75, अरे इतना तो नहीं होगा, गुना कर लेता हूँ एक बार, हाँ वही होगा 27×75 और 10 लग जाएगा, 27,750 रुपये के लगभग में मुझे देगा। 15×5 = 75 का 5, हाथ में 7, 15×8 = 120 और 7, 27 हाथ में से कितना चला गया 2, 15×15 = 2 = 17, अरे क्या मैं उल्टा पुल्टा कर दे रहा हूँ, 15×5 = 75 हाथ में 7, 15×8 = 120 का और 120 और 7 127 हाथ में 12, 15 एकम चलो देखो गुना कर दो इसको कितना हो जाएगा, 15×5 = 75 हाथ में 7, 15×8 = 120 और 7, 27 हाथ में से 12, 15 एकम 15 और 12 27, 10 का 10, 27,750 रुपये वो मुझे उल्टा देगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो आप आसानी से, ये 17 जो भी है आपका 16 इसको आसानी से बना सकते हो। कैसे बोला, बोला सर मैंने ना 700 रुपये 7 बच्चों को देना है, कैसे दूंगा मैं ना सब इस तरह से दूंगा कि हर बच्चे के बीच में 20-20 रुपये का गैपिंग होगा। जैसे नाम सपोज कर लो कि 7 बच्चों ने रैंक किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो 7वां नंबर का बच्चा है उसको यदि 1 रुपये मैंने दिया तो उसे 20 रुपये बढ़ा करके उससे ऊपर वाले को दूंगा, फिर इसको 20 रुपये और बढ़ा करके दूंगा, अरे ऐसे ऐसे करके जो ए नंबर में आएगा उसको कितना दूंगा, ऐसे करके बताना है तुमको। बस इतना पूछा गया, बताओ सातों जो बच्चे हैं इनको कितना कितना रुपया करके मिलेगा, थोड़ा बुद्धि लगाओ, इमेज सोचो, थोड़ा डिफरेंस कितना का होगा, कॉमन डिफरेंस कितना, जिसको मिला है उससे 120 रुपये कम दूंगा। अच्छा ये जो S7 है ये कहाँ से आएगा, बोले सर इन्हीं सारे 7 पदों को आप जोड़िएगा, जितना ये सबको पैसा दिया सब मिला जुला के 700 ना बांटा हूँ मैंने, सबको जोड़ देता हूँ मैं, क्या होगा देखो तो A + A - 20, ठीक है दूसरा पद A - 40, तीसरा पद A - 60 ये हो गया, चौथा पद प्लस A - 80 पाँचवा पद, A - 100 छठा पद और फाइनली A - 120 सातवां पद। फटाफट जोड़ो, जरा जोड़ो तो देखो तो क्या होगा, A7 की वैल्यू कितनी है, बोले सर 700 रुपये इज इक्वल टू कितना होगा, देखो तो जोड़ो तो 1 से लेके 7 है तो मतलब 7 का ही प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि ये सब माइनस में जा रहा है, सॉल्व करोगे तो जरा जोड़ो तो देखो 12 और 20 200 और 1 300, 360, 400, 420 मतलब माइनस का 420 दिख रहा है आपको। यदि माइनस का 420 कितना हो जाएगा, ये 720, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस का 420 इज इक्वल टू 7a। तो और आगे देखो कितना हो गया, यहाँ देखो तो ये हो गया 2 और 2 = 4, 7 और 4 = 1100, 1140 रुपये के आसपास में मैं बांट रहा हूँ इज इक्वल टू
सेवन ए, ठीक है, ये 700 था, सॉरी 700 था, कितना हो गया 7 × 11, ठीक है 7 × 11 = 120। जरा इसको सॉल्व कर दो, 1120 को 7 से भागा दे दो इक्वल टू ए आ जाएगा, कितना आएगा जरा देखो, तो ये नहीं आएगा 7 × 7 कितना बच गया 4 × 2 = 7 = 42 = 0। तो इस आधार पे कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 160, मतलब जो बच्चा टॉप करेगा उसको कितना मिलेगा 160। इसलिए कहता बाबू टॉप करो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो देखो प्राइज अब निकाल दो फटाफट, फर्स्ट प्राइज कितना मिलेगा ए वन बराबर ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 160 रुपये। तो बाबू दूसरे वाले को प्राइज कितना मिलेगा, बोले ए माइनस बीस, मतलब 160 - 20 = 140, ठीक है। तीसरे वाले को कितना मिलेगा, बोले सर a माइनस 40 = 160 - 40, कितना हो जाएगा 120 रुपया। चौथे बच्चे को कितना मिलेगा, सर a माइनस 60 = 160 - 60 = 100 रुपया मिल जाएगा इसको। पांचवे बच्चे को कितना मिल जाएगा, तो पांचवे बच्चे को मिलेगा a माइनस 80, मतलब 160 - 80 इजिक्वल टू कितना हो जाएगा 80 रुपया मिल जाएगा। उसी प्रकार से छठे बच्चे को कितना मिल जाएगा, ए माइनस 100 = 160 - 100 = 60 रुपये मिलेंगे। और लास्ट वाला जो बच्चा होगा उसको कितना मिलेगा, 160 - 120 = ए माइनस कितना हो जाएगा, ए माइनस 120 = 160 - 120 = 40। तुम जोड़ के भी देखोगे ना, मैंने ना 700 रुपये ही खर्च किए हैं, तुम ध्यान से देखो 160 और 40, 300, 420, 520, 600, 660 और 40, 700 रुपये। तो टोटल मैंने इतने खर्च किए, हर एक को इतना इतना रुपया करके दे दिया, मैंने आंसर आ गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 ना बनाने से ज़्यादा समझना तुमको मेहनत लगेगा, बनाने में कुछ नहीं, बनाना तो आसान से हो जाएगा, समझना थोड़ा टफ है। थोड़ा देखो, बोला सर एक स्कूल में 1 to 12 तक है, क्लास कितने हैं 1 to 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 क्लास तक के बच्चे हैं। हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं, क्लास ए में सेक्शन ए बी सी, 2 में भी ए बी सी, और ऐसा करके हर क्लास इसमें भी ए बी सी करके 3 सेक्शंस बटे हुए, ठीक है। हर क्लास का हर एक सेक्शन उतना ही पेड़ लगाएगा जितने वो क्लास में होगा, मतलब ध्यान से देखो, क्लास एक में यदि 3 सेक्शन है तो क्लास एक का एक सेक्शन का बच्चा एक पेड़ लगाएगा, क्लास दो का एक सेक्शन का बच्चा दो लगाएगा, क्लास थ्री का सेक्शन ए का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, और इसी प्रकार से क्लास 12 का सेक्शन ए का बच्चा 12 पेड़ लगाएगा। मतलब जितना क्लास उतना ही पेड़ लगाना एक सेक्शन को। टोटल कितने पेड़ लगेंगे यदि टोटल क्लासेस 3 है, पहले एक काम करो, 3 क्लास है ना, इस सबको साइड करो, सबसे पहले ना कि एपी बनाते हैं। क्या एपी बनाएंगे, बोले सर एपी कुछ इस प्रकार से होगा कि पहला क्लास का पहला जो सेक्शन का लड़का एक पेड़ लगाएगा, दूसरा लड़का दो लगाएगा, तीसरा क्लास का तीसरा लड़का 3 लगाएगा, और ऐसे करके जो 12वां क्लास का लड़का होगा वो सेक्शन ए का जो होगा वो 12 पेड़ लगाएगा। बता टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। एक काम करता हूँ ना, इस एपी के 12 क्लास के बच्चों द्वारा लगाया गया जो भी है उस सारे पेड़ों को जोड़ लेता हूँ और उसको 3 से गुना कर देता हूँ, क्योंकि एक एक सेक्शन जितना भी पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन मिला के कितना लगाएगा, उसी को ट्रिपल गुना कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, फटाफट देखो। तो जरा तुम ध्यान से देखोगे दिखेगा तुमको, सर ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और ए का जो 12वां पद है वो कितना है 12, और मुझे तो फिलहाल अभी S12 ही चाहिए, तो n तो पता ही है मुझे, n की वैल्यू कितनी है 12। फटाक से निकालो, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस an, फटाफट निकालो, देखो कितना हो जाएगा S12 इक्वल टू 12/2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे an की वैल्यू भी है 12, ये हो गया 6, कटेगा तो 6 बार में कटेगा, इंटू 1 + 12 मतलब 13, तो 13 × 6 = 78, मतलब क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के हर एक सेक्शन के बच्चों के यदि लगाए गए पेड़ों को जोड़ा जाए तो वो 78 पेड़ होगा। लेकिन इस तरह के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं, इसलिए कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या या लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या क्या होगी आपकी, लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर 78 × 3, कितना हो जाएगा बाबू 8 × 3 = 24, 2 × 3 = 6, मतलब 234 पेड़ ये लोग सब मिला जुला के लगाएगा, और ये हो गया आपका आंसर।